और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सरहद के उस पार, मेरा मतलब है सीरियल की दुनिया में। जी हाँ, मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव में हमारी जो मरियम है वो अपनी फूफी के चंगुल से तो बच गई, लेकिन आतंकवादियों के बीच में जाकर फंस गई। देखो, अगर अपने अब्बू को ढूंढना चाहती है तो तुझे ये काम करना होगा, समझी? मुझे अब्बू से मिलवा दीजिए, आप छोड़ेंगे वो बनारोगी। छोटी सी नन्ही सी प्यारी मरियम के पीछे पड़ गए हैं आतंकवादी। पाकिस्तान में वो अपनी फूफी के जाल से आजाद तो हो गई, अस्पताल में जबरन ऑपरेशन करवाने से बच तो गई, मगर आतंकवादियों की जाल में फंस गई, क्योंकि अस्पताल में उसे भागने के लिए रैबिट का ड्रेस मिला था, साथ में एक बैग भी मिला था। तो यही ड्रेस पहनकर और बैग लेकर वो भाग रही थी, मगर इस चक्कर में उसके पीछे आतंकवादी लग गए और उसे डराने धमकाने लग गए, क्योंकि इस बैग में बम है। मतलब एक घड़ी नहीं, पूरा इधर उधर ढूंढ रही हूँ कि अब्बू कहाँ हैं, क्योंकि एक बार मैं जब बस में चढ़ी थी तो बस वाले कंडक्टर अंकल ने बोला था कि वहाँ पे अब्बू मिलेंगे, तो वहाँ देखा फिर भी नहीं मिले अब्बू। फिर वहाँ पे मेरे को फूफी वहाँ पे मुझे ढूंढ लेती है, और जो एक टेररिस्ट है वो बोलते हैं कि इस बैग के अंदर बॉम है, तो वो सबको पता चल जाता है और सब आतंकवादी चालू हो जाती है। बम वाला बैग लेकर पाकिस्तान के किसी शराफा बाजार में मरियम भाग रही है। यहाँ बम का नाम सुनकर भगदड़ मच गई है, पुलिस वाले भी पीछे भाग रहे हैं और आतंकवादी भी, मगर मरियम कुछ ऐसा करने वाली है कि बम के डर से मासूमों को आजादी मिल जाएगी। मतलब एक ऐसा सीन है कि अब्बू सिखा रहे हैं कि मशीन पे पानी जाता है तो मतलब वो खराब हो जाता है, तो मैं वो सोच रही हूँ कि काम मुझे पानी मिल जाए तो मैं बॉम उस पानी के अंदर फेंक दूं ताकि किसी को कुछ ना। मरियम बहादुरी का काम करने वाली है और आतंकवादियों के इरादों को नाकाम करने वाली है। हो सकता है कि पाकिस्तानी पुलिस इसी कारनामे के चलते मरियम को हिंदुस्तान वापस भेज दे और मरियम की पहले वाली आजादी वापस आ जाए। हालांकि मरियम इस रैबिट वाले ड्रेस से आजादी बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि ये ड्रेस उसे बहुत पसंद जो आ गया है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।